मेरे पास आज एक ईमेल आई हुई है. अस्सलाम वालेकुम तलहा साहब, होप यू आर डूइंग वेल. आई एम 47 इयर्स ऑफ एज एंड प्लानिंग टू अप्लाई फॉर अ मास्टर्स डिग्री अब्रॉड. आई टुक माय जीआरई एग्जाम टुडे, हाउएवर द स्कोर्स वर नॉट गुड. 149 ऑन मैथ, 152 ऑन इंग्लिश. आई हैव बुक्ड अ रीटेक ऑन 3rd ऑफ जैन. फॉर माय प्रीवियस अटेम्प्ट आई स्टडीड फॉर 20 डेज एंड ऑल ड्यूरिंग विच आई हैड गॉन थ्रू द मगूश वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल्सो फिनिश्ड द 5-pound मैनहट्टन बुक. रिसेंटली आई सब्सक्राइब टू द ग्रेग मैट वेबसाइट विच आई ऑल्सो फाउंड हेल्पफुल, बट एज my exam was due today, I did not get much chance to study from this website in detail. I have seen your YouTube videos on various GRE topics and thought to reach out to you for guidance. One tip that you mentioned was to rely more on active learning, that is taking tests as much as possible. I really like this approach. However, I would appreciate if you could give me some advice on how to improve my score. I think if I focus a little more on verbal, I can improve it to 156, 157, as I hardly studied a day or two for the verbal section. My IELTS score was 7.5. However, I'm more concerned about the math section and my target score is around 158 and 160. अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि आई वुड रियली अपलॉड कि आप इस टाइम के ऊपर ये एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली ये जो एग्जाम है लोगों को लगता है कि ये यंग लोगों का एग्जाम है. ऐसा नहीं है. मैंने तो इन द लास्ट 10 ईयर्स ऑफ माय टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है कि जो ज़्यादा सीनियर लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, डिटर्मिंड होते हैं. उनके पास टाइम भी कम होता है बिकॉज दे हैव टू बैलेंस बिटवीन देयर पर्सनल, प्रोफेशनल एंड देयर स्टडीज एज वेल. तो वो काफ़ी ज़्यादा इसको जो है ना वो प्रोफेशनल तरीके के साथ अपनी प्रिपरेशन को भी अप्रोच करते हैं. बट डिस्पाइट दैट दे आर एबल टू डू रीजनेबल. गिवन कि आपने सिर्फ 20 डेज प्रिपेयर किया एंड यू स्टिल वर एबल टू मैनेज योर 301, मींस के यू रियली हैव द पोटेंशियल कि आप इस स्कोर को कोई 315 के अराउंड भी लेके जा सकें. दो तीन मैं सजेशंस आपको देना चाहूंगा. एक तो मैनहट्टन की जो 5-pound बुक है ना, मैंने अपनी पुरानी जो जीआरई की वीडियोज हैं जो आज से साल पहले तक मैंने की थी, उनमें मैंने मैनहट्टन 5-pound बुक को काफी ज्यादा एक हेल्पफुल रिसोर्स के तौर पर पोर्ट्रे किया है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेटली वो बुक जो है ना वो काफी आउटडेटेड हो चुकी है. जीआरई ने काफी इवॉल्व किया है, काफी सारे क्वेश्चन उन्होंने ऐसे डिजाइन करना शुरू कर दिए हैं जो कि मैनहट्टन 5-pound जिनको एड्रेस भी नहीं करता. उसके ऊपर अगर आप प्रॉपर टाइम लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो टाइम आप जाया कर रहे हैं. अपने बेसिक फाउंडेशंस को बिल्ड करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए आप मैनहट्टन की जो 8 स्ट्रेटेजी गाइड्स हैं फॉर मैथ एंड इंग्लिश वो तो यूज कर सकते हैं. लेकिन जो मैनहट्टन 5-pound बुक है फॉर प्रैक्टिस वो अब काफी आउटडेटेड है. यू फिनिश द 5-pound बुक तो आपको फिनिश करने के बाद भी आपके सामने रिजल्ट है, आपको कोई खास मैथ के अंदर आपका स्कोर नहीं आया. उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? अनफॉर्चुनेटली कोई इतने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस वक्त मार्केट में क्वालिटी क्वेश्चन रेडिली अवेलेबल नहीं है. रिसोर्सेज जो कि मैं रेकमेंड करूंगा आपको, एक जीआरई की ऑफिशियल गाइड्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो नहीं है मैनहट्टन 5-pound की तरह. इन टोटल कोई 350-400 मैथ के क्वेश्चंस हैं और इतनी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, बट मैनहट्टन 5-pound से तो बहुत बेहतर है और करंट जीआरई जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से वो परफेक्ट किताब है. और दूसरी चीज ये है कि मगूश की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगेन मगूश के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो उस क्वालिटी के नहीं है जिस तरह के जीआरई के अंदर टेस्ट हो रहे हैं. जहां तक तो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने की बात आती है, आप उसके लिए ग्रेग मैट की वीडियोस भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप मगूश की भी वीडियोस कंसल्ट कर सकते हैं, आप मैनहट्टन की जो 8 स्ट्रेटेजी गाइड्स हैं आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं. इनमें से किसी एक रिसोर्स को आप ले लें. अगर आपको वीडियोस देख के पढ़ने का ज्यादा आप कंफर्ट फील करते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप मगूश की वीडियोस को ही स्टिक करें. अगर आपको बुक रीडिंग का शौक है तो आप फिर मैनहट्टन की स्ट्रेटेजी गाइड्स के ऊपर फोकस करें. तो जो आपका 149 स्कोर आया है ना, वो मेरे ख्याल में आपने जो मगूश की वीडियोस की है ना उसकी बेसिस पे आया हुआ है, क्योंकि वो आपके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इसका मतलब है कि वो हैं. सिर्फ ये है कि जो जीआरई स्टाइल्ड क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस के अंदर आप लैक करते हैं, और वो प्रैक्टिस आपको काफी हद तक जीआरई की ऑफिशियल जो गाइड्स हैं उनके थ्रू मिल जाएगी. उसके बाद आप जीआरई के जो पावर प्रेप फ्री दो एग्जाम्स हैं वो, उसके बाद जो जीआरई के 3 पावर प्रेप प्लस के जो एग्जाम्स हैं वो भी आप बाय कर सकते हैं. जाहिर है वो मैक्सिमम आपका एक्सपोजर हो जाएगा टू द जीआरई स्टाइल्ड क्वेश्चंस, और उसके ऊपर आप मेरे ख्याल में अब आपको फोकस करने की जरूरत है. सिर्फ आप मगूश की वीडियो लेक्चर्स या मैनहट्टन की स्ट्रेटेजी गाइड्स फॉर बिल्डिंग या फॉर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स, फॉर प्रैक्टिसिंग जीआरई की ऑफिशियल गाइड्स अलॉन्ग विद जो जीआरई के मॉक एग्जाम्स हैं, 2 फ्री और 3 पेड. तो एक मॉक के अंदर तकरीबन आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं मैथ के. तो अगर आपके 5 मॉक्स हैं तो 200 क्वेश्चंस वो हो गए, और तकरीबन 400 क्वेश्चंस आपके ऑफिशियल गाइड्स में, विच इज 600 क्वेश्चंस. गुड इनफ प्रैक्टिस है ये. बाकी ये ग्रेग मैट की वेबसाइट के ऊपर भी अगर आप जाएंगे ना तो ग्रेग मैट भी अपने क्वेश्चंस नहीं बेचता, वो बेसिकली आपको जीआरई ऑफिशियल कॉन्टेंट पर ही लगाता है. ये उसकी एक अच्छी बात है. उसने बाकी पब्लिशर्स की तरह ये नहीं किया कि उसने अपने क्वेश्चन
बेचना शुरू कर दिए हैं, वो कहता है कि यार आप मेरे से कॉन्सेप्ट ले लें, मेरे से टेक्निक्स ले लें और उनको आप अप्लाई कर लें जीआरई के क्वेश्चंस के ऊपर। सो वो अपने कोर्स के अंदर वो जीआरई के ऑफिशियल क्वेश्चंस को ही पुश कर रहा होता है टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स। सेम गोज फॉर मी एज वेल, मतलब मैं भी जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरा जो प्राइमरी फोकस होता है क्वेश्चंस का वो जीआरई के ऑफिशियल क्वेश्चंस ही होते हैं। मैं अपने कोई क्वेश्चंस नहीं बनाता, मैं गूश के या बैरेंस के या कैपलन के क्वेश्चंस नहीं उठाता, मेरा फोकस भी जीआरई के ऑफिशियल क्वेश्चंस ही होते हैं एंड ग्रेग मैट डज द सेम एज वेल। लेकिन मेरे ख्याल में ग्रेग मैट के ऊपर आपको टाइम लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कर चुके हैं, मैं उनको बिल्ड कर चुके हैं। यू जस्ट नीड टू नाउ फोकस ऑन दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस और वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको जीआरई के ऑफिशियल मटेरियल में मिल जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना क्योंकि आपने मेरे से अपनी ईमेल में ये नहीं शेयर किया कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, सो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि आपका आपका टारगेट स्कोर क्या होगा। इन माय एक्सपीरियंस 152 इज अ वेरी गुड स्कोर फॉर वर्बल फॉर मोस्ट प्रोग्राम्स दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। अगर आप किसी स्टेम प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, तो उसमें एनीथिंग अबव 150 ऑन इंग्लिश इज अ प्रीटी कंपेटिटिव स्कोर। अगर आप मैथ की बात करें तो वो 160 के अराउंड होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी नॉन स्टेम प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आपका वर्बल स्कोर 157 प्लस होना चाहिए। मैथ का भी तकरीबन 158 के 157 के आसपास हो तो वो भी अच्छा है। लेकिन ये कि मेरा इंग्लिश के बारे में भी आपको यही सजेशन होगा कि क्योंकि आपने इंग्लिश के ऊपर भी कोई ऐसा प्रिपरेशन नहीं की और उसके बाद भी आपका स्कोर 152 है, तो आई वुड जस्ट रिकमेंड कि आप इंग्लिश के ऊपर भी ना सिर्फ फोकस करें ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। आई डोंट थिंक आपको किसी अपने कॉन्सेप्ट्स पे अपनी कोई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर कोई ऐसा सेपरेटली कोई काम करने की जरूरत है या अपनी कोई अलग से कोई टेक्निक्स के ऊपर आप अपना कोई फोकस कर। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस अ बिट, आपके 4-5 पॉइंट्स वहां से इंप्रूव हो जाएंगे और अगेन उसके लिए वो जो जीआरई के ऑफिशियल गाइड और मॉक के क्वेश्चंस हैं वो सफिशिएंट होंगे। वोकैबुलरी आप बिल्ड कर सकते हैं, वोकैबुलरी के लिए आप मगूश की वोकैबुलरी ऐप को भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने एक वर्ड लिस्ट शेयर की भी अपनी वेबसाइट पे, आप उसको भी देख सकते हैं। ये सारी एक ही तरह की वर्ड लिस्ट है, इनमें मेजोरिटी वर्ड्स ओवरलैप ही कर रहे होते हैं। तो अगर वोकैबुलरी पे आपको थोड़ा फील होता है कि जी मुझे प्रिपेयर करने की जरूरत है या मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वोकैबुलरी को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बट आई थिंक वर्बल पे डोंट पुट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, मैथ पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करें, वहां पे यू नीड टू गेट अनदर 10 पॉइंट्स एंड दैट इज अ बिट डिफिकल्ट टू डू, स्पेशली अगर आपका स्कोर 150 से नीचे है। बट इंग्लिश के अंदर आई थिंक अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, स्पेशल एफर्ट नहीं भी पुट करेंगे तो आपका स्कोर जो होगा वो 156-157 की रेंज में खुद ब खुद भी चला जाए। जस्ट टू सम दिस अप, आई थिंक यू रियली हैव द पोटेंशियल कि आप इसको 315 के अराउंड अपने स्कोर को ले जाएं एंड गिवन द एक्सपीरियंस दैट यू हैव, आई थिंक जीआरई वुड जस्ट बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। आपके पास और बहुत सारी चीजें होंगी अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अगर आपका स्कोर 315 नहीं भी आता, समवेयर अराउंड 310 से नीचे भी अगर आपका स्कोर रहता है, स्टिल यू कैन प्रोबेबली मेक इट टू वेरी गुड प्रोग्राम्स इन यूएस स्पेशली। एंड आई डोंट नो कि आप कहां कहां अप्लाई कर रहे हो, किस प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हो, बट इवन इफ यू इग्नोर दैट स्टिल यू कैन गेट वेरी टॉप प्रोग्राम्स विद द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू माइट हैव राइट नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट बॉक्सेस के अंदर आप मुझे पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। थैंक यू।